आज हमारी एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन उसका उसने दिया हुआ है कि y वेरीज डायरेक्टली x, वो हमने लिख दिया y वेरीज डायरेक्टली x। y इज इक्वल टू, जब आप इसको डायरेक्टली या इनवर्सली के साइन को बदल करेंगे तो k आ जाएगा, इज इक्वल टू k यानी कांस्टेंट। तो आपको वैल्यू दी हुई है y की 8 और x की 2, 2 को इधर आकर डिवाइड करें k की वैल्यू आ गई। अब इसमें तीन पार्ट दिए हुए थे, मैंने एक सिलेक्टेड पार्ट लिया है, उसमें लिखा हुआ है x फाइंड करें, मैंने y इज इक्वल टू 28 दिया। तो दोबारा से फार्मूला ये यूज करना, कोई और नहीं यूज करना, जो क्वेश्चन में होगा वही यूज होगा दोबारा से। y इज इक्वल टू kx, y की जगह पे 28 आ गया और 4 पे डिवाइड करेंगे, x इज इक्वल टू 7 आपका आंसर आ जाएगा।